कैसा रहा सफर आपका भैया? सफर तो बहुत अच्छा रहा, पर ये गांव घर का रास्ता थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। रुक लगता देखते जैसे ये है दिल्ला साहब। अरे बहुत स्मार्ट लग रहे भैया दिल्ला साहब। हीरा है अपना, हीरा है, हीरा हीरा है, हीरा। चल हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम दोस्तों तो मैं आया आपको जैसे ही छोटा मोटा ब्लॉग वीडियो बनाता रहा दोस्तों। तो आज स्पेशली मैं जा रहा हूँ टांगर भरी, और टांगर भरी से दोस्तों स्पेशली जाना है मेरे को बराज रनपुर। तो फिलहाल दोस्तों अभी तो मैं हूँ कुनकुरी में, और ये कुनकुरी का मेरा सेकेंड जो कैमरा है उस कैमरा से दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर हूँ। ये देखिए यहाँ पर नया घर बन रहा है और यहाँ पर करीम भाई का दुकान है। तो फिलहाल दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ टांगर भरी की ओर, तो बन रहे दोस्तों वीडियो में देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मैं अभी सेकंड स्वरूप जहाँ पर है बाइक का वही पहुँगा, और मैं बहुत जल्द दोस्तों यहाँ का वीडियो लेकर आऊँगा। और अभी फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ डायरेक्टली रनपुर की ओर, क्योंकि मेरे को रनपुर में ड्रोन शूट करना है दोस्तों। तो अभी मैं फिलहाल वही जा रहा हूँ, और अभी फिलहाल ये जो शोरूम है दोस्तों बहुत जल्द आप लोग के लिए वीडियो बना के लेकर आऊँगा, और जो भी स्टॉक है दोस्तों बाइक का उसको दिखाऊँगा। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग बन रहे वीडियो में देखते रहिए। अभी मैं फिलहाल दोस्तों हूँ कहाँ पे हूँ यार, रनपुर रोड में, और मुझे लगता है कि अकेला हूँ दोस्तों। और लग क्या रहा है जो दिख रहा है उसे दिखा रहा हूँ, क्योंकि डबल कैमरा यूज कर रहा हूँ दोस्तों। ये फीचर मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर है ब्लॉगिंग के लिए, सामने का भी देखो और पीछे का भी दिखाओ अपने आप में। ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेस्ट फीचर है, और वही सजेशन हो रहा है फिलहाल दोस्तों। मैं इधर भी दिखा रहा हूँ अपने आप को, और इधर दिखा रहा हूँ उस लड़के को जो मेरे को तेरा हैक रहा है। तो हायर क्या करेगा, वो भी निकल लिया फिलहाल मजाक मस्ती करते हुए दोस्तों। मैं आगे बढ़ता हूँ फल दोस्तों, मैंने पहुँच चुका है टोली डाल का, टोली डाल की टोली बाहर जो भी है उसका है नदी, और उस पुल को मैं पार कर रहा हूँ। पार कर रहा हूँ तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, और वीडियो भी आप लोग बना रहा हूँ और भी मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ का जो पुल है उसका सेटअप चलते हैं रपटा किस्म का, ज़्यादा पानी पड़ता है दोस्तों। मैं आगे बढ़ता हूँ टांगर भर की। फिलहाल दोस्तों मेरे को है कुछ कुछ से एलर्जी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसे कुछ कुछ डॉक्टर बोले हैं। हालांकि मैं करता तो हूँ नहीं, लेकिन भी ऐसे कुछ कुछ बोले हैं कि ऐसे ऐसे करने से आपको एलर्जी होगा। और उसी बात पे एक टीम और भी है जो जिससे एलर्जी होगा मुझे करके बोले हैं, स्पेशली उसको बता देना चाहूँगा दोस्तों। मास्क लगाना, मास्क ले तो अपने बाल में डस्ट आने मत देना, ऐसे करके कुछ बोले हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं अपने बाल में लगाता हूँ स्कार्फ, और ये जो डस्ट भरी रोड है दोस्तों, इस डस्ट भरी रोड का सामना करता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं अभी टांगर भरी फाइनली पहुँच चुका हूँ, और मेरे पीछे बैठा हुआ क्या नाम है भाई तेरा बता दो? मेरा नाम क्या है? शिवलाल चौहान। शिवलाल चौहान। और फिलहाल दोस्तों हम जा रहे हैं इनको छोड़ना कहीं पे, इतना घना धूप में दोस्तों मुझे लगता है कि सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इन बच्चों का हेल्प कर रहा हूँ। उनको कहीं जाना था तो वही पर छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारा चीज़ मंडम होता रहता है, और मैं इस सारे चीज़ों को कैप्चर भी करता हूँ, और मुझे लगता है कि अपने कैमरे में कैद भी करता रहता हूँ। तो फिलहाल वही कर रहा हूँ, थोड़ा गाड़ी चलाने के लिए पड़ रहा है दोस्तों। ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब भी है, और पीछे जो बैठी है गुड़िया, वो गुड़िया नाम पूछता हूँ। क्या नाम गुड़िया आपका? तो फिलहाल दोस्तों मैं इन सारे लोग को लेके जा रहा हूँ कुछ दूर में, उनको रुकना है बोल तो बोलिए जा रहे लोग ऐसे करके मुझे पता है। शादी वादी है क्या? नहीं अपना घर ही है भाई। फिलहाल दोस्तों आप लोग बड़े मत देखते हैं, मैं फिलहाल अभी तक शादी घर नहीं पहुँचा हूँ, क्योंकि शादी घर जैसे ही पहुँचने वैसे ही बता दूँगा। मैं फाइनल शादी घर पहुँच चुका हूँ, और मेरा भैया है ये देखिए, मेरे को स्वागत सत्कार करते हुए ये रिस्पेक्ट है दोस्तों। ये यादव साथी में होता है कि ऐसे कुछ चंदन वगैरह लगाते हैं और कान वगैरह कुछ कुछ लगाते हैं, ऐसे सिचुएशन होता है। फिलहाल दोस्तों ये सब चीज़ को मैं करते हुए मैं देखता हूँ दोस्तों नाश्ते में क्या मिलता है उसको देखा। फिलहाल दोस्तों जो मिला केला, जलेबी,
और एक मीठा आइटम जिससे खाना नाश्ता है घर घर पर, तो घर में नाश्ता नहीं कर रहा तो नाश्ता के बाद मिलता है। दोस्तों मंडप की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पास मड़ा वगड़ा है वहाँ पे, और ऐसे फोटोग्राफर जो वीडियो फोटो सब करते हैं यहाँ पे मंडप पे। दोस्तों यहाँ पे मड़वा खड़ा हुआ, ये बस नाचने टेकने वाला प्रोसीजर हुआ था होगा दोस्तों, हल्दी हल्दी का। और अभी फिलहाल जाना है बारात 10 बजे मुझे लग रहा है, और अभी समय कितना बजे हो रहा है, 9:24 हो रहा है दोस्तों। फोटो वीडियो दोनों एक साथ करते हैं भैया, संभव भी। फिलहाल दोस्तों मुझे बोला गया था 8 बजे, लेकिन निकल रहा है दोस्तों 12 बजे, 12:04 हो गया है, और अभी हम लोग बराती जा रहे हैं दोस्तों। और मुझे तो लगता है दोस्तों काफ़ी लेट होगा, मैं रुक लगा था कि लगभग 12-1 बजे समथिंग जो भी वर्णमाला का प्रोसीजर है वो हो जाएगा ऐसे सोचा था, लेकिन लेट लगती होगा दोस्तों। लेकिन जो भी होगा दोस्तों, जैसे भी होगा, देखते हैं कितने समय मैं घर रिटर्न लगता हूँ और मेरा प्रोग्राम कितने समय तक ख़त्म होता है बोलते वर्णमाला का। तो फिलहाल दोस्तों अभी तो मैं हूँ टांगरबरी में, और डायरेक्टली निकल रहा हूँ दोस्तों रणपुर के लिए। फिलहाल दोस्तों अलग फाइनली निकल चुके हैं बारात के लिए, और मेरे साथ में हैं 2 बच्चे जो मुझे लगता है कि इसी गाँव में हैं, और अपना नाम बताएंगे भाई, पता नाम नाम बताएंगे भाई, और मेरा वीडियो देखते हो ना तुम लोग, थैंक यू भाई लोग, बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं इन भाइयों के साथ मैं डायरेक्टली निकल रहा हूँ दोस्तों रणपुर की ओर, अभी मेरा वही का शूट है, उसके बाद मेरा जो भी सिचुएशन होगा जो भी होगा दोस्तों उसके बाद मैं आप लोग से मिलूंगा लास्ट टाइम। फिलहाल दोस्तों हम लोग को दोस्तों स्पेशली ये है पता नहीं हुंडई नहीं टाटा की गाड़ी है दोस्तों, चक्का में टाटा का लोगो लगा हुआ है, और ये बहुत खतरनाक यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है ऐसा लग रहा है, इंडिकेटर चालू जल रहा है, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा बराती टाइम में हम लोग इस सब को शेयर करते हुए चलते हैं दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों चलते हैं बराती की ओर। तो फिलहाल दोस्तों बन रही देखते रहिए, ये है सुजुकी बोले तो कौन सा गाड़ी है पता नहीं, चल दिखाता हूँ ताज़ा है। हाँ जी ये दोस्तों ब्रिजा जो निकल गया सीधा, पता नहीं कहाँ गाड़ी है। दोस्तों धूप हो या ठंडा हो हमेशा गाड़ी को सुरक्षित चलाएं दोस्तों, धीरे चलाएं सुरक्षित बचें, और जो हमें रास्ता अगर प्लेन मिलता है दोस्तों तो ऐसा सिचुएशन होता है कि हम गाड़ी को दौड़ा सकते हैं, ऐसे करके ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन टर्निंग वगैरह पॉइंट आता है दोस्तों तो हमारा जो ध्यान है ना वो भटक जाता है, और टर्निंग में अक्सर दुर्घटना हो ही जाता है, और वही सिचुएशन हुआ है दोस्तों पीछे में जो गाड़ी का दुर्घटना हुआ है। तो मैं ये दुर्घटना के विषय में ये बात करना चाहूँगा कि आप लोग धीरे चलाएं दोस्तों और सुरक्षित पहुँचे अपने घर तक, क्योंकि हमारे घर में मम्मी पापा बहन बीवी गर्लफ्रेंड बच्चे लोग ये सारे लोग इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारे घर के सदस्य आएंगे और हमसे मिलेंगे, ऐसे करके सोचते हैं। तो फिलहाल मैं दोस्तों इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग धीरे चलाएं और सुरक्षित पहुँचें। फाइनली दोस्तों हम लोग रणपुर का सुंदर सा जंगल पहुँच चुके हैं, और अभी हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं लगता है पहुँच चुके हैं, और रणपुर से मुझे लगता है कि हो सकता है 1-2 किलोमीटर और आगे जाना पड़ सकता है ना भाई। अभी हम लोग 15 को ही पहुँचेंगे, मेरे गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं, क्या है सारे चीज़ दिख रहा है, और कैसा लग रहा है बाइक लोग को बताओ, बाइक में सफर करते बहुत बढ़िया लग रहा है, और कार में बैठे थे तो कैसा लग रहा था, कार बहुत लग रहा था, ए सी चला रहा था, ए सी चला रहा था, ए सी नहीं चला रहा। फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि ठंडे लोग पहुँचने वाले हैं रणपुर, और रणपुर से पहुँच के दोस्तों डायरेक्टली लोग जाएंगे। लोग रणपुर फाइनली पहुंच चुके हैं, और यहाँ से दोस्तों मुझे लगता है कि 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है शादी घर, पता चलेगा ना दादा काटना शादी घर, शादी घर यह रास्ता में जा। अच्छा तो यह रास्ता बोट है
अरे बोटे हां और नहा के झिन पार होबे ने अजगे हां और नहा के उठे तोला वो कहां जाबा हां मैं उर्मिला कर घर पता डोल जाबा उर्मिला ये मन हो जाता है पता डोल उर्मिला जाना थी हमें हमें उर्मिला शादी कर जाप करी हाँ ठीक है अच्छा लग रहा था थैंक यू फाइनल दोस्तों हम लोग फाइनल पहुँच चुके हैं पत्रा टोली और अभी जहाँ पर हम लोग को दोस्तों रहने के दिया गया है क्या बोलते हैं कौन सा डेरा डेरा दिया गया दोस्तों यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं और यहाँ से अभी हम लोग नाश्ते देखते हुए जाएंगे शादी घर की ओर और शादी घर को तो अलग देख लिए फाइनली और दुल्हन को भी दिखाएंगे दोस्तों तो उर्मिला नाम जिसका है और दूल्हे लोग भी पहुंचने वाले हैं हाँ। उर्मिला वर्सेस हेमंत का शादी हो रहा है दोस्तों तो फिलहाल हम लोग वेट करते हैं भाई लोग का यह है आयुष गुप्ता गुप्ता राहुल गुप्ता राहुल गुप्ता टांगर भरी टांगर भरी तो फिलहाल दोस्तों बने रहिए दोस्तों वीडियो में और देखते रहिए का आयुष गुप्ता का मेरा नाम आयुष गुप्ता मैं टांगर भरी से रहने वाला हूँ मैं आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड ठोक के दें कमेंट तो मैं देने वाला हूँ बोलो दोगे ना आपके कमेंट इंतजार रहेगा इधर देखिए कौन छोड़ी है हेलो बोलो गेट खुल नहीं रहा है जाओ खोल दो जी नाथले के लिए दिल दहा जा रहा है अरे बहुत सुंदर दिख रहा है दोस्तों पीछे वाला मस्त दिख रहा है हाय बोल दो ब्लॉग बन रहा है बेइज्जती करा दी तू हाँ बोल दीजिए थैंक यू दोस्तों हमारे बारी बारात गाड़ी फाइनली पहुंच चुकी है देखिए बारात गाड़ी फिर ठीक है तो पूरा मुझे लगता है आधा से दिख है दोस्तों सही बात है ना आपका विचार क्या है इर्टिगा आ रहा है आजकल का शादी का बेस्ट गाड़ी है इर्टिगा कैसा रहा सफर आपका भैया सफर तो बहुत अच्छा रहा ये गांव घर का रास्ता थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था रुक लग तो देखते दोस्तों ये है दिल्ला साहब अरे बहुत स्मार्ट लग रहे भैया दिल्ला साहब हीरा है अपना हीरा है चल फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि अभी लगभग शादी ख़त्म हो चुका है और मेरा काम भी मुझे लगता है ख़त्म हो चुका है तो फिलहाल मुझे लगता है अभी इस वीडियो को करना चाहिए आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग अच्छा होगा अगर अच्छा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब या तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और अगर आप लोग को भी वेडिंग या ड्रोन शूट करवाना होगा तो प्लीज़ मुझे कॉन्टेक्ट करें मेरे स्क्रीन पर शो कर रहा होगा नंबर तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।